नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक GDE की भर्ती जो है निकाल दी है। इस वीडियो में दोस्तों आपको इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा निकाली गई नाविक GDE की भर्ती का डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हो दोस्तों, उसके एग्जाम पैटर्न का उस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी आप उस एग्जाम को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न बताऊंगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GDE की भर्ती का, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। और दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GDE की, तो दोस्तों आप सभी अनअकैडमी प्लस बाय कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस बाय कर सकते हो दोस्तों। इससे यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जब आप बाय करें तो आपको इंडियन प्रोमो कोड लगाना होगा। इंडियन प्रोमो कोड लगाने से दोस्तों आपको इंस्टेंट 10% की छूट मिल जाएगी। और दोस्तों, आप अपनी तैयारी को भारत के टॉप एजुकेटर से कर सकते हो, तो यहाँ पर आप जरूर से अनअकैडमी प्लस को बाय कीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम एक महीने का ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। और दोस्तों, आप मेरी स्पेशल क्लासेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। जो ये स्पेशल क्लासेज है, ये जो मेरी स्पेशल क्लासेज है, ये दोस्तों 100% फ्री है। सो इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इन्हें ज्वाइन करने के लिए मैंने अपनी स्पेशल क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरी प्रोफाइल का भी लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर दोस्तों आपसे एक एक्टिवेशन कोड मांगेगा, एक्टिवेशन या फिर साइनअप कोड मांगेगा दोस्तों। ये आपको एंटर करना है, इंडियन आपको एंटर करना है दोस्तों, और आप मेरी स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, शाम को 6 बजे हमारी जो है क्लास चलती है, ये बिल्कुल फ्री लाइव क्लास होती है दोस्तों, फ्री लाइव क्लास, इसी आप जो है बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी क्लास चलती है दोस्तों शाम के 4 बजे, ये दोस्तों साइंस की क्लास होती है, और ये भी 100% फ्री लाइव क्लास होती है। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पैटर्न की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कोस्ट गार्ड में नाविक GDE है दोस्तों, जनरल है, ये आपके बेसिकली 10+2 पास वालों के लिए है। अगर आपने 10+2 कर रखा है, 12वीं अगर आपने पास कर रखी है, केवल फिजिक्स और मैथ से ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर फिजिक्स और मैथ आपके पास होने चाहिए, और केवल पास करी होनी चाहिए। पहले क्या होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, नंबर ऑफ कैंडिडेट का ही एडमिट कार्ड आता था दोस्तों। अब की बार आपसे क्या होगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि कोस्ट गार्ड आपसे एप्लीकेशन फीस भी ले रहा है, और टाइम एग्जाम भी प्रॉपर टाइम पे होगा दोस्तों। सो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने 12वीं कर रखी है फिजिक्स और मैथ से। और अगर आपकी एज दोस्तों 18 से 22 साल, अगर आप जनरल या AWS कैंडिडेट हैं तो 18 से 22 साल, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 साल, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 18 से 27 साल आपकी जो है आयु सीमा होनी चाहिए, और आपने 12वीं फिजिक्स मैथ से की होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं इसका एग्जाम पैटर्न बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न में कुछ नहीं है भाई, आपका सेक्शन ए, आपका जो एग्जाम में सिलेक्शन होगा दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन 2, मतलब 2 पेपर आपको देने होंगे दोस्तों इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। ज्यादा टफ वाला काम नहीं है दोस्तों। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन ए जो है, इसमें आपके 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। टाइम ड्यूरेशन आपकी 45 रहेगी, और ध्यान रखना जो एग्जाम होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। और जो ये सेक्शन एक है, ये जो सेक्शन एक है दोस्तों, ये आपका 10th लेवल का रहेगा, ध्यान रखना 10th लेवल का, जो 10th लेवल का रहेगा दोस्तों, जिसमें आपकी मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर हम बात करें साइंस की तो इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो साइंस है ये जनरल साइंस है, ध्यान रखना दोस्तों जनरल साइंस, और जो रीजनिंग है इससे भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो जीके है इससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ओवरऑल दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन जो कि 60 नंबर के होंगे, और 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 20 यहां पर आपको 30 नंबर जो है स्कोर करने होंगे कम से कम, तभी आप जो है सेक्शन 2 के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर आप SC ST से या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, अगर आप यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे पास होना है तो 60 में से, अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको कितने नंबर लेके आए होंगे, आपको जो है 60 में से, ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप जनरल या फिर OBC या फिर AWS से बिलोंग करते हो
तो दोस्तों आपको क्या करने होंगे यहाँ पे 30 नंबर जो है स्कोर करने होंगे एससी और एसटी के लिए। दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर आपको कम से कम स्कोर करने होंगे 60 में से। टाइम 45 मिनट का रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग दोनों ही सेक्शन में दोस्तों, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों सेक्शन बी क्या होगा, जो सेक्शन दो है ये आपका 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट्स में आपको जो है सोल्व करने होंगे। यहाँ पर ये जो सेक्शन है दोस्तों ये आपका 10+2 लेवल का रहेगा, यानी जो 11th 12th में आपने फिजिक्स की थी, 11th 12th में जो आपने मैथमेटिक्स किया था उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ध्यान रखना दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके जो है फिजिक्स से होंगे और 25 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे मैथमेटिक्स से रहेंगे। इसमें क्या है दोस्तों 50 में से यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करना है। इसमें भी आपको इसमें भी जो है आपकी जो ओवरऑल मेरिट होगी दोस्तों वो 110 नंबर, यहाँ पे 60 नंबर हो गए और यहाँ पे हो गए 50 नंबर। 110 नंबर में से दोस्तों मैक्सिमम आपको स्कोर करना है तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे। ध्यान रखना दोस्तों मैक्सिमम आपको स्कोर करना है तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें क्या है दोस्तों ये जो आपका 50 नंबर है इसमें आपको अगर आप जनरल या फिर दोस्तों अगर आप जनरल ओबीएस हैं, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो 20 नंबर आपको स्कोर करने होंगे। इसमें 50 में से कितने 20, 50 में से दोस्तों 20 नंबर आपको स्कोर करने होंगे। ध्यान रखिएगा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, 50 में से 17 नंबर अगर आपको स्कोर करने होंगे अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन ए और सेक्शन दो को मिलाकर अगर आप ओबीसी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको लगभग 30 और 20 50 नंबर स्कोर करने होंगे 110 में से कम है दोस्तों ये मेरिट बनाने के लिए। अगर आप एससी एसटी हैं तो 17 और 27 यानी 44 नंबर आपको एससी एसटी को मिला के स्कोर करने होंगे कम से कम, तभी आप फर्दर पीएफटी या फिर मेडिकल का पार्ट बन सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों ये मिनिमम जो है पासिंग मार्क्स है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों ये पॉइंट आई होप कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो ये आपका सेक्शन ए है ये आपका 10th लेवल का रहेगा जिसमें आपकी जनरल साइंस जीके वगैरह इंग्लिश वगैरह पूछी जाएगी। सेक्शन बी आपका जो है 10+2 लेवल का रहेगा, 11th 12th वाली फिजिक्स मैथ आपसे पूछे जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब है दोस्तों सेक्शन ए में जनरल ओबीसी को 30 नंबर, एससी एसटी को 27 नंबर कम से कम स्कोर करने होंगे, सेक्शन दो में जनरल ईडब्ल्यूएस को 20, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 20 और एससी एसटी को 17 नंबर कम से कम स्कोर करने होंगे अगर आप फर्दर स्टेजेस का पार्ट बनना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको सेफ स्कोर बताऊं तो कम से कम आपको 80 प्लस स्कोर करना होगा दोस्तों, कितने में से 110 नंबर में से। तो ध्यान रखना। और एक पॉइंट आता है दोस्तों इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर का, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा डाउट है और कोई भी आपको खुल के इसके बारे में नहीं बता रहा है। सो जो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर है वो कौन से परफॉर्मर है, मान लीजिए आपका नाम ए है और आपने क्या किया दोस्तों, आपने कोस्ट गार्ड का एग्जाम दिया है जीडी का, उसमें आपने दोनों ही एग्जाम में क्वालिफाई किया है और आपने दोस्तों सेक्शन ए में 60 में से 60 नंबर, सेक्शन बी में 50 में से 50 नंबर, ओवरऑल 110 में से 110 नंबर आपने जो है स्कोर कर लिए हैं और आपके 10+2 में जो परसेंटेज है वो मात्र 50% है या फिर 70% या फिर उससे कम परसेंट है, तो दोस्तों आपको एक और एडिशनल एग्जाम देना होगा जो कि आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई है, लेकिन दोस्तों अगर आपके 10+2 में 90% 80% या फिर 70% से ज्यादा है और आपने 110 में से 110 स्कोर कर लिया है तो आपको कोई एग्जाम देना नहीं है, आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। सो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों आप सभी अपनी तैयारी टॉप एजुकेटर से कर सकते हो भारत के। और दोस्तों अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो तो आप एक काम करिएगा, आप ना मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज शाम को 6 बजे भी होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपसे साइन अप कोड मांगेगा जिसमें आपको INDIAN यानी इंडियन डालना होगा। दोस्तों दो मेरी क्लास होती है शाम को 6 बजे जीके की और शाम को 4 बजे दोस्तों साइंस की, और हर संडे को कोस्ट गार्ड के लिए हम जो है एक लाइव प्रैक्टिस सेट भी करते हैं सुबह के 8 बजे। इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको एक एक्टिवेशन या फिर साइन अप कोड एंटर करना होगा इंडियन, और फ्री में आप मेरी क्लासेस को देख सकते हो। उसके बाद प्लस भी बाय कर सकते हो, जब भी आप प्लस बाय करो इंडियन प्रोमो कोड यूज कीजिएगा। सो दोस्तों कोई भी अगर आपकी डाउट बने तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन रोजगार ऑफिशियल के नाम से है। सो दोस्तों बहुत ही जल्द जो है हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक सेपरेट साइंस का चैनल है साइंस बाय रविंदर सर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।